गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी लॉ की शुरुआत करने से पहले हमें कंपनी का मीनिंग क्या है, कंपनी का डेफिनेशन और कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम कंपनी का इंट्रोडक्शन समझते हैं कि कंपनी हम किसे कहते हैं। देखिए, जो कंपनी है, कंपनी इज ए वॉलंटरी इनफॉर्मल फॉर्मल एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्टेन पर्संस फॉर्म्ड फॉर सम कॉमन सोशल इकोनॉमिक और सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो कंपनी है वो एक प्रकार से जो लोगों का जो वॉलंटरी एसोसिएशन है, ठीक है, लोगों का स्वैच्छिक संगठन है जिसका निर्माण कोई सोशल ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये एक प्रकार से जनरल मीनिंग है। कंपनी का मतलब कोई पार्टनरशिप हो सकता है, कंपनी का मतलब कोई जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूप में हो सकता है। कंपनी का मतलब क्या है, जहां पर लोग एक साथ काम करते हैं और किसी पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव की को प्राप्त करने के लिए। बट कंपनी लॉ में कंपनी का जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी मीन्स विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी एक्ट के अंडर में कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है, हम केवल उसे कंपनी के नाम से जानेंगे। यहाँ पर देखिए, कुछ लोग अपने एंटरप्राइजेस, अपने ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या बिजनेस फर्म के नाम के आगे कंपनी वर्ड ऐड कर देते हैं। तो केवल कंपनी वर्ड ऐड करने से इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपनी नहीं बन जाता है। कंपनी बनाने के लिए हमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एसोसिएशन है, बिजनेस फर्म है, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका इनकॉर्पोरेशन यानी समामेलन, पंजीयन कंपनी अधिनियम के अंडर में करवाना जरूरी है। तो तभी हम उन ऑर्गेनाइजेशन को, उन एसोसिएशन को कंपनी के नाम से जो है जो एक तरीके से बुला सकते हैं। तो कंपनी एक प्रकार से जो वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्संस का, और ये वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है और जिसका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक जो गोल है वो अचीव करना हो सकता है, सोशल गोल अचीव करना हो सकता है, या सोशल इकोनॉमिक गोल्स है वो अचीव करना हो सकता है। यानी एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है कि कंपनी का जो वर्ड है, कंपनी वर्ड, ये हम यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐड कर देते हैं तो उससे कंपनी नहीं बनती है। कंपनी के लिए जरूरी है कि हम किसी एसोसिएशन का, ऑर्गेनाइजेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनीज एक्ट के अंडर में करवाए या उसका इनकॉर्पोरेशन, समामेलन करवाए, पंजीयन करवाए, तभी कंपनी का निर्माण होता है। तो अब हम जो कंपनी का जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं, इससे और ज्यादा जो क्लियरिटी है कंपनी मीनिंग के बारे में हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, ये है सेक्शन 2 सब क्लॉज 20। क्या है कंपनी? मींस ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन यानी समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 यानी कंपनी एक्ट 2013 या इससे पहले वाले किसी कंपनी लॉ के अंडर में हुआ है तो उसे हम कंपनी के नाम से जानते हैं। बहुत क्लियर लिखा है यहाँ पर इस डेफिनेशन में जो कंपनी एक्ट 2013 में दी गई है। यानी कंपनी हम उसे कहेंगे जिसका रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन
या तो प्रेजेंट कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले वाले जो कंपनीज एक्ट है, जैसे कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है ना, या अन्य कोई जो प्रीवियस कंपनी लॉ है उसके तहत या उसके अंडर में यदि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीयन हुआ है, समावेलन हुआ है, इनकॉर्पोरेशन हुआ है, ये सब एक ही नाम है, ठीक है ना, ये एक तरीके से सिनोनिम्स है, पर्यायवाची, ठीक है ना, तो हम उसको कंपनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है। जब तक किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी जो बिजनेस फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले कंपनीज लॉ के अंडर में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उसे हम कंपनी के नाम से नहीं जानेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेने, प्रोफेसर हेने क्या कहते हैं कंपनी के बारे में, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सीम, ठीक है ना। तो यहां पर इस डेफिनेशन को हम समझते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी एक कृत्रिम व्यक्ति है, ठीक है ना। कृत्रिम आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है कि जिसे भगवान ने नहीं बनाया है, जिसका जो बर्थ है या जन्म है वो एक प्रकार से नेचुरल नहीं है, जिसका इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। हम सभी क्या है, हम नेचुरल पर्सन है, क्योंकि हमारा जो बर्थ है या हमारी जो डेथ है वो नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। और ये जो कंपनी है वो एक प्रकार से आर्टिफिशियली जो क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, एंड क्रिएटेड बाय लॉ, और इसका जो जन्म है या इसका फॉर्मेशन है वो लॉ के द्वारा हुआ है। Having separate entity, और जो कंपनी है उसका जो एक प्रकार से एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट है, ठीक है ना। सेपरेट का मतलब जो कंपनी के मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनसे कंपनी का जो एक प्रकार से एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो अलग है, पृथक अस्तित्व है, ठीक है ना। दोनों को हम एक नहीं मान सकते, दोनों अलग अलग है, कंपनी और कंपनी के मेंबर, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा है हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, अविच्छेद उत्तराधिकार, यानी एक प्रकार से जो कंपनी है जब तक उसका कानून के द्वारा समापन नहीं कर दिया जाता, लोग के द्वारा उसको एक प्रकार से डिसॉल्व नहीं कर दिया जाता, तब तक कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा बरकरार रहता है। एंड ए कॉमन सीम, और उसकी एक सार्वमुद्रा या उसके पास जो स्टैम्प होती है जिसको हम कॉमन सीम के नाम से जानते हैं वो है। तो ये जो प्रोफेसर हेने के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको इन दोनों जो डेफिनेशन है, एक कंपनीज एक्ट के में दी गई है और दूसरा प्रोफेसर हेने है, उन्होंने कंपनी को डिफाइन किया है, इन दोनों के आधार पर मैं जो कंपनी का जो एक कंक्लूजन मीनिंग है, ठीक है ना, निष्कर्ष के तौर पर वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी हम किसे कहते हैं या कंपनी हम किसे समझे, ठीक है ना। तो कंपनी क्या है, कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रेजेंट कंपनी एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इन द आईज ऑफ लॉ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज एन इनविजिबल एंड इंटेंजिबल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर और मेंबर्स विद परपेचुअल सक्सेशन। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू ट्रांसफरेबल शेयर्स एंड द शेयर होल्डर और शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर। अब देखिए जो ये डेफिनेशन है जो हमने यहां पर समझी है, इन्हीं के आधार पर
हमने ये जो कंक्लूजन है ये ड्रॉ किया है। कंक्लूजन एक बार मैं आपको और इसी लैंग्वेज में बता दूं कि कंपनी एक क्या है, एक जो व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है, ठीक है ना, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है, और विच इज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर प्रेजेंट कंपनीज एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी जिस संगठन का रजिस्ट्रेशन या समामेल वर्तमान कंपनी कानून के तहत या किसी जो पूर्ववर्ती यानी प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसे हम कंपनी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कम इन द आईज ऑफ लॉ, यानी कानून की नजर में कंपनी का मतलब क्या है, इन द आईज ऑफ लॉ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है ना। आर्टिफिशियल पर्सन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा एक्सप्लेन हम जब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उस समय भी करेंगे। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि ये नेचुरल जो है नहीं है, जैसे हमारी तरह नेचुरल पर्सन, जैसे हमारा जो जन्म है या जो डेथ मृत्यु है वो दोनों ही क्या है, नेचर पर आधारित है। बट जो कंपनी है वो एक प्रकार से आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसका बर्थ है या डेथ है वो सब कानून के द्वारा डिसाइड होता है, लॉ के द्वारा डिसाइड होता है। तो कंपनी इन द आईज ऑफ लॉ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है ना, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ध्यान रखना, कंपनी का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो पृथक है, सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी जो कंपनी के मेंबर है उनसे कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। एंड परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी का जब तक कानून के द्वारा हम उसको एक प्रकार से डिसॉल्व नहीं कर देते, उसका समापन नहीं कर देते, तब तक कंपनी हमेशा एग्जिस्टेंस में रहती है, इसलिए ये परपेचुअल सक्सेशन है। एंड हैविंग एक कॉमन सीन, ठीक है ना, और उसके पास जो अपना एक प्रकार से जब भी कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, कोई ट्रांजैक्शन करती है, तो उसमें जो अपनी कॉमन सील यानी स्टैम्प का यूज करती है, ठीक है ना। अब स्टैम्प से रिलेटेड है, कुछ प्रोविजंस में चेंज भी हो गए हैं जिनको हम जब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसके अलावा इट हैज ए शेयर कैपिटल, यानी कंपनी के पास पूंजी होती है, शेयर कैपिटल होती है, विच इज डिवाइडेड इंटू ट्रांसफरेबल शेयर, और जो ट्रांसफरेबल शेयर्स में विभाजित होती है, डिवाइड किया होता है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स में जो कंपनी की शेयर कैपिटल है उसको डिवाइड किया जाता है। एंड द मेंबर्स एंड द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी नोन एज द मेंबर, यानी जो कंपनी के शेयर्स के होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर है, वो कंपनी के मेंबर्स के तौर पर जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत कंपनी का जो डेफिनेशन है वो बहुत आसान है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कंपनी एक प्रकार से कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व है, और अविच्छिन्न उत्तराधिकार, यानी एक तो अपने जो मेंबर है उनसे उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है, और जब तक कंपनी को किसी कानून के द्वारा समाप्त नहीं किया जाता तब तक कंपनी का अस्तित्व हमेशा बरकरार रहता है, और कंपनी के पास जो अंश पूंजी शेयर कैपिटल होती है जिसे जिसको स्मॉल पार्ट्स में जो डिवाइड किया जाता है जिसे हम शेयर्स के नाम से जाते हैं, और जो शेयर को होल्ड करते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के मेंबर्स के तौर पे जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कंपनी का डेफिनेशन है। यदि आप कंपनी लॉ में कंपनी की डेफिनेशन को समझना चाहे तो उसको आप नहीं समझ सकते, क्योंकि उसमें केवल इतना दिया है कंपनी का मतलब कि कंपनी मींस विच इज इनकॉर्पोरेटेड और अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है ना, यानी कंपनी का जो डेफिनेशन दिया है कंपनी एक्ट में वो एक प्रकार से बहुत ही नैरो डेफिनेशन है,
और इस डेफिनेशन के आधार पर हम कंपनी का डिटेल मीनिंग नहीं समझ सकते, कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कंपनी के नेचर को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो डिफरेंट जो ऑथर्स हैं उनकी डेफिनेशन को समझना जरूरी है। प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने कंपनी के बारे में किस तरीके से डिस्क्राइब किया है उनको समझना जरूरी है, तभी हम कंपनी के नेचर को, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कंपनी का जो मीनिंग है और जो डेफिनेशन है वो समझ में आया है। अब हम कंपनी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझेंगे और उसके बाद और ज़्यादा कंपनी के मीनिंग के बारे में आपको क्लियरिटी हो जाएगी।